फ्रेंड ओप्पो A3s इजली अब अनलॉक होने लगा है। बहुत सारे जो है अनलॉकिंग टूल से भी आप लोग इजली अनलॉक कर पा रहे हो। काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोग परेशान है, हमारा ऑब्जर्वर है, जिनका ओप्पो A3s अनलॉकिंग का जो है प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। ओप्पो में जो है पैटर्न पिन पासवर्ड लगा है, ओप्पो A3s यूज़ कर रहे हो तो ओप्पो A3s अनलॉकिंग करने का इजी मेथड आ चुका है। अनलॉकिंग टूल से काफ़ी इजीली अनलॉक हो रहा है और बहुत सारे वीडियो भी आप लोग को यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे भी है ओल्ड मेथड, मैंने मेथड बताया था जो है एम टूल से आप लोग इजीली उससे भी अनलॉक कर लेते थे, लेकिन अब जो है अनलॉकिंग टूल में भी ऑप्शन आ चुका है जो है ओप्पो A3s अनलॉक हो रहा है। काफ़ी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बहुत सारे बना के डाले हैं, इजी तरीके से आप लोग अनलॉक कर सकते हो। एक मेथड आप लोग को सबसे इजीली मिल जाएगा विदाउट पीसी वाला, मैंने अपने जो है चैनल पे वीडियो भी बताया है कि किस तरह से आप लोग कर सकते हो, लेकिन आप लोग वीडियो तो पूरा देखते नहीं, वीडियो पूरा देखोगे तभी तो आपको समझ में आएगा किस तरह जो है ओप्पो A3s को इजीली विदाउट पीसी बाईपास किया जाएगा। ओप्पो A3s जो है और कोई भी फ़ोन आप लोग बिना जो है ओप्पो A7 हो, ओप्पो A5s हो, कोई भी ओप्पो का फ़ोन हो, इजी तरीके से आप लोग जो है रीसेट कर सकते हो, अपना पैटर्न पिन निकाल सकते हो, जो भी उसमें पासवर्ड लॉक हुआ है फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो। ओप्पो का कोई भी फ़ोन हो, ओप्पो रियलमी MI सैमसंग, आप लोग इस मेथड से इजीली अनलॉक कर सकते हो। बस आपका फ़ोन का एक नीड है, बस आपके फ़ोन का पासवर्ड ईमेल आईडी पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा ईमेल आईडी पासवर्ड हमें नहीं पता है, हमारा जो है ऑलरेडी हम भूल चुके हैं। तो आपके पास जिस नंबर से आपने क्रिएट किया वो नंबर तो होगा, उस नंबर से आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड रिकवर करके अपने फ़ोन को रीसेट करके खोल सकते हो। और इससे भी आप जो है अपने फ़ोन का लोकेशन फाइंड भी कर सकते हो। फाइंड माई डिवाइस ऐप का हेल्प अभी काफ़ी सारे लोग ले रहे हैं और इससे आपका खोया हुआ फ़ोन मिल जाता है। IMEI नंबर भी आप ट्रैक कर सकते हो, आपके फ़ोन का आपने IMEI नंबर लिख के नहीं रखा है, बिल बॉक्स नहीं है, तो भी यहाँ से आप लोग अपने उस खोए हुए फ़ोन का IMEI नंबर भी निकाल सकते हो और इजी तरीके से ओप्पो का कोई भी फ़ोन हो रीसेट कर सकते हो। लेकिन अपने पास जो है ईमेल आईडी पासवर्ड कुछ भी नहीं है तो आप अपने फ़ोन का भी लॉक खुलवाना चाहते हो, MSM टूल के थ्रू इजीली अनलॉक करा सकते हो। तो ऑलरेडी जो है मैंने वीडियो बना दिया है और फाइंड माई डिवाइस ऐप का यूज़ करिए। यदि आपने जो है ईमेल आईडी पासवर्ड याद रखा है या आपने जिस नंबर से अपना बनाया है तो उस नंबर आपके पास है तो उस नंबर का हेल्प लेके अपना ईमेल आईडी पासवर्ड रिकवर करिए और इजी तरीके से अपने फ़ोन को अनलॉक करके अपना फ़ोन यूज़ करिए और काफ़ी ईजी हो जाता है। तो काफ़ी सारे जो है अनलॉकिंग और मोबाइल हार्डवेयर से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखे हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बेझिझक कमेंट किया करो। और मेरे शॉप पे ये सब काम होता रहता है क्योंकि मेरा टेलीकॉम शॉप दो है, दीपक टेलीकॉम, दीपक कम्युनिकेशन कोलकाता से हूँ मैं। और मेरा यूट्यूब पे एक और चैनल है सेकेंड लाइफ, आप लोग उसे भी जाके सपोर्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा वो भी चैनल है। और यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे भी मैं ग्रो हो रहा हूँ काफ़ी अच्छे से, आप लोग वहाँ पे भी सपोर्ट करिए और इसी तरह से अपने भाई को आगे ले जाते रहिए। मैंने कल से वीडियो को यही पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक लीजिए।